प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों से बात करेंगे लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के समय, यानी 1876 से लेकर 1880 तक लॉर्ड लिटन का समय है और 1880 से लेकर 1884 तक लॉर्ड रिपन का समय है। इस मध्य अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश नीति क्या थी, उस पर हमें आज विचार करना है। तो प्यारे बच्चों, 1876 में लॉर्ड लिटन भारत में लॉर्ड नॉर्थब्रुक का उत्तराधिकारी बनकर आया और उसको शुरू से ही लॉर्ड लॉरेंस की नीति जो थी वो पसंद नहीं थी। वो मन में तय करके आया था कि उससे मुझे अलग होना है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसके भाग्य में बहुत बुराई बदी थी और उसकी अफगान नीति का परिणाम ये हुआ कि लॉर्ड लिटन की एक राजनीतिक के रूप में, एक तरह से कह लीजिए कि उसकी बहुत बड़ी, मतलब वो कह लीजिए कि उसने अपनी कब्र खोद दी। जिस समय वो भारत आया तो वो उससे कहा गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा कि शेर अली को वो सब कुछ दिया जाए जो 1873 के समझौते में उसने मांगा था, कि उसके छोटे लड़के अब्दुल्ला जान को उसका वारिस माना जाए और अगर कोई बाहरी हमला होता है तो ब्रिटिश उसकी सहायता करें और उसको कोई एक विशिष्ट पद और बड़ी आर्थिक मदद दी जाए। हेरात में ब्रिटिश रेजिमेंट न रखा जाए। और उसने इन बातों को नहीं माना और उसकी कितनी बड़ी भूल थी ये आगे चलकर प्रकट हुआ। लॉर्ड लिटन ने सबसे पहले शेर अली से ये पूछवाया कि ब्रिटिश शिष्टमंडल वो भेजना चाहता है, और शेर अली ने इसे बड़े ही उससे अनिच्छा से अस्वीकार कर दिया। और इसी बीच काबुल के स्थानीय एजेंट के माध्यम से उसने कहला दिया, लेकिन तभी वहाँ पर रूसी शिष्टमंडल के आने की बात हुई और उसे वो कैसे रोकता, क्योंकि वहाँ की जनता का जो स्वभाव था वो जानता था कि वो कोई भी शिष्टमंडल उसे बचा नहीं पाएगा। और लिटन ने इसे मध्य एशिया में ब्रिटिश हितों के प्रति एक नफ़रत भरा रुख करार दिया। अक्टूबर में शिमला में लॉर्ड लिटन ने काबुल को ब्रिटिश एजेंट के उसका वो वार्ता हुई और उस साक्षात्कार में ये कहा कि जैसे दो लोहे के बर्तनों के बीच मिट्टी की मटकी हो, इस तरह के संबंध थे। इसके पहले ब्रिटिश ने कलात के खान से बात करके 1876 में एक संधि कर ली, जिसके तहत ब्रिटिश को क्वेटा मिल गया और बोलन दर्रे पर भी उसकी आधिपत्य हो गया, जहाँ पर सबसे पहले प्रथम अफगान युद्ध की सेना का वही केंद्र रहा था। शेर अली ने सोचा कि इसके बाद वो कंधार पर अधिकार की करने की पहली सीढ़ी वो चढ़ेंगे। शेर अली ने अपने मंत्री सैयद नूर मोहम्मद को पेशावर में सर लेविस पेली के साथ बात करने के लिए 1877 की जनवरी में भेजा और इसमें कहला दिया कि ब्रिटिश राज को वो मज़बूत मानता है, इतना मज़बूत कि अफ़गान उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अफ़गान जनता स्वतंत्रता प्रिय है और वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने सम्मान को ऊपर रखती है। बदकिस्मती से मार्च में जब बात चल ही रही थी तो मंत्री नूर मोहम्मद की
मौत हो गई और लिटन को ये मौका मिल गया, जबकि दूसरा आदमी रास्ते में था सम्मेलन में आने के लिए, लेकिन लिटन ने सम्मेलन को ख़त्म कर दिया और उसने शेर अली से सारे वास्ते तोड़ दिए और ये कहला दिया कि अब आक्रामक रूप नहीं अपनाते तो ब्रिटिश जो है वो अफ़गानिस्तान में तब तक प्रवेश नहीं करेंगे। लॉर्ड लिटन की भावना अच्छी नहीं थी, वो झूठा था, अफ़गानिस्तान की शक्ति को निर्बल करने की उसकी नीति थी। पश्चिमोत्तर के कबायलियों से उसने साठगांठ की और उनको विकास का लालच देकर वहाँ पर अपनी चौकियाँ स्थापित की और इस तरह से वह अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक पहुँच गया। कश्मीर के महाराजा से उसने गुप्त वार्ता करके गिलगिट में ब्रिटिश एजेंसी उसने स्थापित की। इसी बीच रूस ने 1878 में सैन स्टीफेनो की संधि की थी, जिससे ग्रेट ब्रिटेन के पूर्वी साम्राज्य के रास्ते में रूस का प्रभाव जो है वो और विरोधी न हो, इसलिए ब्रिटेन ने उस संधि को मान्यता नहीं दी। 1878 में बर्लिन की कांग्रेस में रूस ने से जो सुविधाएं वापस ली गईं, रूस को ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वेज नहर से माल्टा के रास्ते कुछ भारतीय सैनिकों को भेजा और रूस ने अफ़गानिस्तान में युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। रूस लगातार कोशिश में था कि इंग्लैंड अफ़गानिस्तान में किसी जंग में फंस जाए और उसे तो कोई लाभ नहीं था, लेकिन वो एंग्लो अफ़गान वार कराने में सफल रहा। 1878 के जून महीने में रूस के कौफमान ने अफ़गानिस्तान के अमीर से एक समझौते का वो भेजा, प्रस्ताव भेजा, जिसे उसने इनकार कर दिया। बर्लिन की कांग्रेस जैसे ही शुरू हुई, काबुल की तरफ तीन तरफ से रूसी सेनाएं आगे बढ़ी। शेर अली के विरोध के का उसने कोई ध्यान नहीं दिया और ज़ार ने ये कहा कि जो है वो विरोधी अब्दुर्रहमान को समर्थन देगा और ये जो स्थाई रूस की स्थाई मैत्री की संधि उससे हुई। अफ़गानिस्तान में रूस शिष्टमंडल का जो आगमन था वो लॉर्ड लिटन के लिए एक तरह से बहुत बड़ा ख़तरा था। लिटन का एक ख़त शेर अली के पास 7 अगस्त को पहुंचा कि ब्रिटिश के इजाज़त के बिना किसी देश से उसे संधि की इजाज़त नहीं है और ब्रिटिश रेजिडेंट को उसे रहने की इजाज़त देनी पड़ेगी। एक अधिकारी उसने भेजा जो अमीर से बातचीत करता। उसी दिन अमीर के उत्तराधिकारी अब्दुल्ला जान की मौत हो गई, जिससे वो बहुत उदास हो गया। 30 अगस्त को एक दूत काबुल भेजा गया कि ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल आएगा सर नेविल चैम्बरलेन के नेतृत्व में, पेशावर के लिए वो रवाना हुए। आगे आगे एक दल अली मस्जिद में अफ़गान अधिकारियों से मिला, लेकिन उसने कहलाया कि वो आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए ब्रिटिश दूत को वापस होना पड़ा। लॉर्ड लिटन बहुत नाराज़ हुआ और उसने अमीर की नीति को मध्य एशिया में और संपूर्ण भारत में उसे बेवकूफ़ बनाने की उसने संज्ञा दी।
सरकार को झूठे ये सूचना दी गई कि प्रतिनिधिमंडल को बल से ढकेला गया है और युद्ध की इजाज़त उसने मांगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का गृह विभाग कोई भी जिम्मेदारी न लेकर उसने कोई भी साफ संदेशा नहीं दिया। 2 नवंबर को अमीर के पास एक चेतावनी भेजी गई कि 20 नवंबर तक प्रतिनिधिमंडल को वो अगर इजाज़त नहीं देता है और पूरी तरह से वो बाकायदा माफ़ी नहीं मांगता है तो उसे फिर हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। शेर अली ने इसी बीच रूस के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और काबुल की ओर ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल की आने की खबर सुनकर रूसी प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान से चला गया। लॉर्ड लिटन इस बात पर बजिद था कि उसे ब्रिटिश को शक्तिशाली माने और तुलनात्मक दृष्टि से अफगानिस्तान को कमज़ोर माना जाए। ये एक तरह से प्रतिष्ठापूर्ण समझौते की तरफ से उसने मुंह मोड़ लिया और अमीर का जवाब जिस पर 19 नवंबर की डेट पड़ी थी वो थोड़ा लेट से 30 नवंबर को वायसराय के पास पहुंचा, जिसमें ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के आने की बात थी लेकिन इसे पर्याप्त न मानते हुए और पूरी तरह से बाकायदा माफ़ीनामा न मानते हुए उसने सेना को आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी थी कि जैसे ही चेतावनी की डेट ख़त्म हो। लॉर्ड लिटन की युद्ध की घोषणा के बाद ब्रिटिश सेना अफगानिस्तान में 3 दर्रों से घुसी। मेजर जनरल रॉबर्ट्स खुर्रम घाटी से बढ़ा, जनरल स्टीवर्ट बोलन दर्रे से बढ़ा और सर सैमुअल ब्राउन खैबर दर्रे से आगे बढ़ा। अमीर ने झूठे ही कौफमान से मदद की अपील की, जिसने इशारा किया कि ब्रिटिश से वो संधि कर ले और वो मजबूर है बर्लिन की संधि के द्वारा, जिसे वो नहीं ठुकरा सकता। रूस से धोखा खाने के बाद शेर अली ब्रिटिश का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता था। ब्रिटिश सेना आगे बढ़ती जा रही थी, उसका कोई विरोध वो नहीं कर सकता था। शेर अली रूस भाग गया और जहां मसरे शरीफ में 21 फरवरी 1879 को एक रोग से उसकी मौत हो गई। बच्चों, शेर अली के बेटे याकूब खां से बातें शुरू की गई और 26 मई 1879 को गंडमक की संधि, याद रखना गंडमक की संधि हुई, जिसमें नए अमीर ने ब्रिटिशों को खुर्रम, पीशी और सीवी के ज़िले के अलावा खुर्रम दर्रा भी दिया। उसने काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंट और हेरात में और कुछ और स्थानों पर एजेंट रखना मान लिया। अपने वैदेशिक नीति को ब्रिटिश के अधीन उसने वादा किया। बदले में 6 लाख रुपए की वार्षिक मदद और किसी भी विदेशी हमले की स्थिति में अफगानिस्तान को धन से, सेना से और शस्त्रों से उसकी मदद की वादा किया गया। ब्रिटिश ने अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने की बात की लेकिन जाड़े का महीना था। लॉर्ड लिटन की जीत इस तरह वो मान करके अपने मन में फूला नहीं समा रहा था लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसके बर्बादी के सितारे गर्दिश में हैं और उसकी प्रतिष्ठा एक दिन धूल में मिल जाएगी, इतनी जितनी पहले कभी किसी वायसराय की भारत में नहीं हुई।
रॉबर्ट्स ने पहले ही अमीर के आँखों की वो पीछे हटते और माथे पर उसकी कमज़ोरी को देख लिया था। अफ़गानिस्तान के लोग मरना पसंद करते हैं, लेकिन वो किसी के हुकूमत के अंदर रहना और किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मेरे बच्चों, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये एक मशहूर कहावत है। और सर लुई कैवेगनरी 24 जुलाई को ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में काबुल पहुंचा। डॉडवेल ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि इस कठिनाई के काल में वो एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन ऐसे नाजुक समय के लिए उचित नहीं था। 2 सितंबर को लिटिन के पास उसने एक सुसमाचार का तार भेजा, लेकिन 3 सितंबर को अफ़गान सेना ने उसके घर पे हमला करके उसे और उसके लोगों को मार डाला। याकूब खां ने जनरल रॉबर्ट्स को जो एक तार शिमला में भेजा, उसमें ये जो है, आप बच्चों समझो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर नाम की पुस्तक में आर्थर स्विंसन ने लिखा है कि उस समय वहाँ की जो अव्यवस्था थी वो आसमान छू रही थी, सब कुछ कंट्रोल के बाहर था, लोग बाला हिसार में इकट्ठे हो गए थे, तोपखाने और मैगजीन को जला डाला था, रेजिडेंसी पर हमला कर दिया था। डंड शाह को उसने अपने दूत के रूप में मदद के लिए भेजा, लेकिन उसे भी लोगों ने इतना मारा कि वो लगभग मरणासन्न हो गया। बाद में उसने अपने लड़के को कुरान पाक के साथ और एक मुल्ला के साथ सैनिकों के पास भेजा। हालांकि अव्यवस्था एकदम उसके कंट्रोल के बाहर थी, लॉर्ड लिटन के लिए ये बड़े ही दुख का और आघात का समय था। उसकी नीति तितर बितर हो चुकी थी, जिस युद्ध से वो बचना चाहता था वो उसके भाग्य में बदा था और वो सामने खड़ा था। जनरल रॉबर्ट्स फिर काबुल की तरफ बढ़ा, विद्रोहियों को दंड देता गया। डोनाल्ड स्टीवर्ड ने कंधार पर कब्जा कर लिया और इस तरह से जो उसको जो है शासक का पद छोड़ने के लिए उसे घोषणा करने पड़ी। और याकूब ने कहा कि उसे घास काटना अंग्रेज़ों के पास पसंद होगा बनिस्बत अफ़गानिस्तान के अमीरी के। इस तरह से उसे कैदी बना करके हिंदुस्तान भेज दिया गया। अब अफ़गानिस्तान में पूरे उस खित्ते में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिससे समझौते की बात की जाए, और चारों तरफ खुखार अफ़गान लोग जो है वो हथियार लेकर जाग पड़े थे। रॉबर्ट्स को बालाहिसार छोड़ना पड़ा, शेरपुर में उसे शरण लेनी पड़ी। 10,000 कबाइलियों ने उसे घेर लिया था। 1880 की बहार में स्टीवर्ट को किसी तरह से आज़ाद कराया गया और यह पूरा ड्रामा फेल हो गया। नए अमीर की तलाश जारी थी जिसे ब्रिटिश अपना कठपुतली बनाकर रख सकते थे। लॉर्ड लिटन को एक उसने अंततः उस देश को दो हिस्से में तोड़ दिया। हेरात पर उसने जो है वो फारस के कब्ज़े की बात की और सादोजाई घराने ने के वली शेर अली ख़ान को कंधार का
हाकिम बना दिया। एक शख्स में की ज़रूरत थी जो पश्चिमोत्तर अफ़गानिस्तान पर हुकूमत कर सके। संजोग से अफजल खां का बेटा शेर अली का भतीजा अब्दुल रहमान, जिसने कभी, आपको याद होगा विद्यार्थियों, 1866 और 67 के बीच 17 महीने उसने हुकूमत की थी और वो रूस में पड़ा हुआ था। रूसी सेना की मदद से वो दोबारा अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे आया। दोस्त मोहम्मद की तरह वो ताकतवर था। जब लिटन को उसके आने की खबर मिली तो उसने सोचा कि ये सही आदमी है, और पर्सनल एंड लिटरेरी लेटर्स ऑफ अर्ल ऑफ लिटन में लेडी बेटी बाल्फर ने लिखा है कि लिटन ने लिखा कि अब्दुलरहमान में उसे खुद ब खुद झाड़ी में एक भेड़ा मिल गया हो जैसे। अब्दुलरहमान ने ब्रिटिश मदद ले ली, वो एक मजा हुआ राजनेता था। अपनी आत्मकथा में द लाइफ ऑफ अब्दुलरहमान अमीर ऑफ अफ़ग़ानिस्तान में लिखा है कि मैं खुलेआम अपने में ही जाहिर नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे मुल्क के लोग अनपढ़ और कट्टर थे। इसी वक्त लॉर्ड लिटन ने वायसराय का पद त्याग दिया और इस्तीफा देकर वो इंग्लैंड वापस लौट गया। मेरे बच्चों, उसकी जो फॉरवर्ड नीति थी वो उसके ऊपर एक भयानक कलंक साबित हुई। उसका सारा ख्वाब टूट गया। अफ़गानिस्तान पर उसने जो अस्थाई कब्ज़े की कोशिश की वो बहुत महंगा पड़ा। 36 साल पहले लॉर्ड ऑकलैंड ने, जो अफ़गानिस्तान से निकलने का बहाना ढूंढा था, वैसे ही लिटन का भी हाल हुआ। और उदार सरकार जो ब्रिटेन में आई उसने अफ़गानिस्तान में पुरानी सीमा पर आने को तैयार हो गई। सीबी और पीशी के ज़िले और उसे रानी ने आश्वासन दिया अपने भाषण में। लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय बनाकर 1880 में भेजा गया। जैसे ही लॉर्ड रिपन भारत आता है तो उसके जो नई ब्रिटिश नीति थी अफ़गानिस्तान में, उसे युद्ध के पहले की स्थिति में ले आई था। वो वहीं पहुंच सका जहां लॉर्ड लिटन पहुंचना चाहता था। अब्दुल रहमान के साथ नई संधि में पीशी और सीबी ज़िले ब्रिटिश के पास आ गए और किसी से भी संबंध उन्होंने विदेशी न बनाने के लिए आश्वासन दिया। बदले में ब्रिटिश ने किसी हमले में उन्हें आर्थिक सहायता, सेना की, धन से शस्त्रास्त्रों की मदद की वादा किया। और इसमें ख़ास बात यह थी कि अफ़गानिस्तान में कोई भी ब्रिटिश रेजिडेंट रहने की इजाज़त नहीं मिली। लॉर्ड रिपन चाहता था कि कंधार और पश्चिमी अफ़ग़ानिस्तान में लिटन की व्यवस्था ख़त्म कर दी जाए, लेकिन वो तुरंत नहीं कर सका। लेकिन दशा बदली। शेर अली का एक दूसरा बेटा अय्यूब खां, जो हेरात का हाकिम था, वो कंधार की ओर बढ़ा और अपने बाप के मौत का बदला लेने के लिए, जनरल बरोस भी उसे पैबंद में रोकना चाहा, लेकिन उसकी अय्यूब खां की बहुत बुरी हार हुई और अय्यूब खां ने उसे बुरी तरह से हराया। रॉबर्ट्स ने 10,000 सैनिकों की मदद भेजी। रॉबर्ट्स ने
313 मील का सफ़र 20 दिनों में बहुत जल्दी से पूरा किया। कंधार की लड़ाई में अय्यूब को इतनी बुरी तरह से हराया गया कि 1881 तक वो कंधार में ही रहा। मैं रॉबर्ट्स की बात कर रहा हूँ। स्टीवर्ट भी समझौते के अनुसार काबुल से वापस हो गया। कंधार के हाकिम शेर अली खां को हटना पड़ा और अब्दुल रहमान के नेतृत्व में काबुल और कंधार दोबारा एक हो गए। ब्रिटिशों को उन्होंने पूरी समर्पण दिया अपना। ब्रिटिश सेनाएं वहां से हट गईं। अय्यूब खां को फिर हेरात से आगे बढ़कर कंधार पर उसने कब्ज़ा कर लिया। कई महीने तक यही स्थिति रही। 1881 में बच्चों अब्दुलरहमान कंधार के आगे बढ़ा और यहाँ पर अय्यूब पराजित होता है। अय्यूब फारस भाग गया और हेरात पर फिर से एक बार अब्दुलरहमान का कब्ज़ा हो गया। इस तरह मध्य एशिया में एक अनसुलझे सवाल को हल किया गया। बच्चों आप जानते हैं कि डॉडवेल ने लॉर्ड लिटन की अफगान नीति का समर्थन किया और उसने कहा था कि उसे कठिनाइयाँ उत्तराधिकार में ही मिली थीं और युद्ध के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर मजुमदार ने भी लिखा है कि द्वितीय अफगान युद्ध रूसी हमले के भय का फल था। बच्चों ये आप ये समझिए कि इस तरह से लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय अफगान युद्ध और लॉर्ड रिपन के समय में उसका हल निकल सका, लेकिन ये ब्रिटिश अफगान नीति का एक असफल अध्याय था। एक इसे फेल ड्रामा आप कह सकते हैं, जो लॉर्ड लिटन इसका ज़िम्मेदार था और उसकी अफगान नीति एक तरह से बदनाम और असफल साबित हुई। धन्यवाद।